अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या नेत्या आणि राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी यांनी राफेल भ्रष्टाचारासंदर्भात पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी राफेल घोटाळ्यासंदर्भात स्पष्टीकरण देण्यात आले. अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या नेत्या आणि राष्ट्रीय प्रवक्त्या प्रियंका चतुर्वेदी यांनी बुधवारी राफेल भ्रष्टाचार संदर्भात पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेवेळी राफेल घोटाळ्यासंदर्भातील चित्रफित दाखवून माहिती देण्यात आली. विमान खरेदीची किंमत वाढविणे, विमानांची संख्या कमी करणे, सार्वजनिक आस्थापनांना जो फायदा मिळण्याची शक्यता होती तो काढून घेऊन खाजगी आस्थापनाला तो करून देणे हा मोठा घोटाळा आहे असे यावेळी सांगण्यात आले. तीन स्टेप्स में मैं आपको बता सकती हूँ. पहले तो आप जो प्राइस जो जेट्स का आप खरीद रहे हैं तीन गुना बढ़ा देते हैं. जो जेट्स देश में आ रहे हैं, जो लड़ाकू विमान देश में आ रहे हैं, आप एक तिहाई से भी कम कर देते हैं जो यूपीए के कार्यकाल में डील हुई थी. और तीसरा स्टेप होता है कि जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होती है उसको आप खारिज कर कर आप ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स जो बनकर आते हैं वो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड की बजाय आप दे देते हैं ऐसी निजी कंपनी को जिसका जीरो जीरो एक्सपीरियंस है मैन्युफैक्चरिंग में या डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स हैं उनके सब रेखा देखिए. सबसे पहली चीज़ जो सामने आई है कि हमारे कार्यकाल में हमने 526 करोड़ में ये डील की थी. 526 करोड़ में 126 रफाल जेट्स आने थे, पर रफाल जेट्स 126 सारे हम फ्रांस से नहीं ले रहे थे, हम ले रहे थे 18 फ्लाई अवे कंडीशन में. और हमने मांग ये की थी कि अगर आपको डील करनी है बाकी सारे 108 मेरे देश में बनेंगे, मेरा देश इसको बनाएगा, टेक्नोलॉजी आपकी होगी, आप हमारे लोगों को ट्रेन कर कर 108 जेट जो बनेंगे वो हमारे देश में बनेंगे. तो इससे फायदा देश को होता जहाँ पे 108 एक तो सबसे बड़ा फायदा कि हमारे देश में ही ये सारे लड़ाकू विमान बन रहे हैं, टेक्नोलॉजी भले ही कहीं और से आई हो. और 108 जब जेट बना रहे होते हैं तो आप कैपेसिटी बिल्डिंग कितनी बढ़ जाती है. आप लोग तो नासिक में रहते हैं, HAL आपके बगल में है, कैपेसिटी बिल्डिंग बनती या फैक्ट्रीज नहीं बनती तो उसमें फायदा किसका होता. मैं तो अब उनको प्रधानमंत्री भी नहीं कहती, मैं उनको प्रचार मंत्री कहती हूँ. क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मेक इन इंडिया का प्रचार किया, पर सबसे बड़ी लात जो मारी प्रचार मंत्री ने वो HAL को कॉन्ट्रैक्ट ना देकर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी खारिज कर वो फायदा अपने एक निजी कंपनी को दिया है. 526 करोड़ का विमान बन जाता है सीधा तीन गुना उसका दाम बढ़ जाता है, 1670 करोड़. अब आप मुझसे पूछेंगे 1670 करोड़ कहाँ से आया, क्योंकि आप सरकार से पूछ रहे हैं, मैं सरकार से पूछ रही हूँ, देश की जनता टैक्स पेइंग जनता सरकार से पूछ रही है कि आपने लड़ाकू विमान का क्या दाम में खरीदा. पर सरकार कह रही है कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज, हम नहीं बता सकते, बहुत बड़ा क्लॉज है. पर उनका झूठ सामने तब साबित होता है जब खुद डसॉल्ट एविएशन जो है, जो ये राफेल जेट्स बनाती है, उन्होंने अपने खुद के प्रेस रिलीज में एनुअल रिपोर्ट में उसके दाम बताए हैं. ये राफेल की डसॉल्ट एविएशन की एनुअल रिपोर्ट है जहाँ से हमें ये दाम पता चला है. सरकार अभी भी नहीं बता रही है, सरकार अभी भी चुप्पी बांधे हुई है, सरकार अभी भी उस झूठ पे छुपी हुई है कि कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज हमें बोलता है कि हम नहीं दाम बता. जनता आपसे ये नहीं कह रही हमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस बताओ, देश की जनता ये कह रही है कि जो लड़ाकू विमान हमें 1800-940 करोड़ में मिल जाते हैं और 126 आते हमारे बट में, वो गिरकर 36 क्यों रह गए. और अगर 36 भी रह गए, आपने देश की जनता पे 41,000 करोड़ का चूना क्यों लगा दिया. अब बात यहीं पे खत्म नहीं हुई. चलिए आपने कम जेट्स खरीदे या बहुत जल्दबाजी थी, बहुत अर्जेंसी थी. अरे अर्जेंसी भी अगर हम बात करें तो ये जो विमान अब आ रहे हैं 36 विमान, ये आने वाले हैं 2019 के बाद. तो क्या जल्दबाजी थी आपको, मैं बताती हूँ जल्दबाजी का. क्योंकि जो आपने नई डील नेगोशिएट की उसमें जो ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट होता है जो पुर्जे वर्जे जो भी बनते हैं यहीं पे मैन्युफैक्चर होंगे एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ
डसॉल्ट एविएशन राफेल जेट्स का जो स्टैंडर्ड्स होंगे हम उसको मैच करेंगे और हम उसकी फिटिंग करेंगे। और एक होता है लाइफ साइकिल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो ये होता है कि जो भी देख रेख होगी राफेल जेट की वो हमारे देश में होनी चाहिए। तो आप टैक्स पेयर, आप हैं टैक्स पेयर, हम क्या चाहेंगे कि इसका फायदा देश के ऐसे पीएसयू को हो जो पिछले 70 साल से मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, डिफेंस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, उसको दिया जाए, या ऐसी कंपनी को दें जो डील साइन होने से 12 दिन पहले इनकॉर्पोरेट की गई हो। फिर से मैं ये वेद न्यूज़ सिटी प्रतिनिधि भूपेंद्र बारू त्रंबकनाका।